इस वीडियो में मेन लिंक्स जो हैं बीएड के एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड पांच सेक्शन हैं, उनसे रिलेटेड जो ऑलरेडी वीडियो बने हैं, पुराने वीडियो हैं, उनके लिंक का एक वीडियो है जो आप यहां देख सकते हो, ये चल रहा है। इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया गया होगा। इस वीडियो में ऑलरेडी लिंक्स दिए हुए हैं 2022 से और उससे पहले 2022 के जो टेस्ट थे, एंट्रेंस टेस्ट थे 2019 के, जहाँ उनसे भी पिछले हैं, वो सारे पांच के पांच सेक्शन फर्दर डिवाइड करके उन पर जितनी भी वीडियो हैं ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये किसी भी स्टेट के लिए बीएड की, किसी भी बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंडिया के लिए वैलिड है। सिर्फ इतना बात है, जहाँ पर यहाँ पंजाब का कोई आता है क्वेश्चन तो वहाँ आपकी स्टेट का आ जाएगा, इतना फर्क होगा, बाकी कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल इनिशिएटिव्स है, नेशनल पॉलिसीज है, नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन है, कमेटीज़ है, रिव्यू कमेटीज़ हैं, जो एजुकेशन इन न्यूज़ है, पर्सनस हैं, वो सभी सेम ही रहते हैं, मिनिस्ट्री सेम ही रहती है सभी के लिए। तो ये पुराने देख सकते हो आप, और नए जो हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है वो यहाँ पर है। ये लिंक दिया गया होगा, पहले ये क्लिक करोगे तो पिछले सारे वीडियो के लिंक जो पीछे वीडियो दिखाया गया है उसमें होंगे, और अब ये अप टू 20 जुलाई 2023 तक के जो वीडियो बन चुके हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड, उनके लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए होंगे। आपने देखना क्या है, मेंटल एबिलिटी है। नॉर्मली मेंटल एबिलिटी में पिछले पेपर ही सॉल्व किए गए हैं, मेंटल एबिलिटी की एक्सरसाइज है, थोड़ी कम और रेस्ट लेके करनी चाहिए। हाँ, जो एरिया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपकी रेंज से परे है, उसको बेशक टच मत करें। ये मैं आपको जो स्ट्रेटजीज हैं, किस क्वेश्चन से बचना है ये भी ज़रूरी होता है, और किस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ये भी ज़रूरी होता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में के पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है उसमें बता दूंगा। तो जो मेंटल ये एक्सरसाइज क्या है कि जो मुझे लगे हैं कि जो बेटर वे हो सकते हैं मेंटल एबिलिटी के सॉल्व करने के, शॉर्टकट मेथड जो देसी तरीके होते हैं उससे अगर कोई सॉल्व होता है, अंदाजे लग सकते हैं जिससे एक हिंट मिले, और उस हिंट, वो लॉजिकल हिंट होगा, उससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट सिस्टमेटिक वे से भी सॉल्व किए गए हैं। तो जो आपकी पाचन शक्ति के अनुसार है, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो इनका फ़ायदा आपको हो सकता है। ये जनरल अवेयरनेस के हैं, कोई अंत नहीं है, प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट ऐसे तैयार किए गए हैं जो नॉर्मली सिलेबस होता है 10 यूनिट्स होते हैं, उन सभी यूनिट्स को कवर करके और पिछले पेपर को देख के कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे थोड़े डिफिकल्ट भी डाले गए हैं। हाँ, कुछ एरिया मैंने कवर जैसे कम किए हैं, जैसे नेशनल डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन है, उसमें ये स्वयं प्रभा, ये सारे दोबारा रिपीट नहीं होंगे, तो वो नीचे लिंक मिलेंगे आपको, वो अलग से वीडियो है टॉपिक वाइज। तो ये है पूरा सेट, इस सेट में होंगे कितने 30 क्वेश्चन हर एक में होंगे, और 30 की डिवीज़न जो 10 यूनिट्स हैं सिलेबस में है उसी के मुताबिक होगी। ऑर्डर ए बी सी डी जैसे आपका सेट होता है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन 30 आपको सेट वो मिलेंगे, और ये टॉपिक वाइज जनरल नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आप स्वयं पर पढ़ना चाहते हैं, स्वयं प्रभा पर पढ़ना चाहते हैं, नेशनल डिजिटल जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें ब्रीफ पढ़ना चाहते हैं, जो दीक्षा है, ऐसे मेन टॉपिक जो है ना, उन पर ये सारे लिंक हैं, ये इस वीडियो के नीचे है, उसके आगे नाम आ जाएगा, क्लिक कीजिए और आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देख सकते हो। नेक्स्ट है टीचिंग पोटेंशियल के हैं, टीचिंग पोटेंशियल के सेट्स भी हैं, और नए प्रैक्टिस सेट भी हैं इनमें, और पुराने पेपर भी हैं, और जो एक्सपेक्टेड हैं, तीसरी कैटेगरी जो एक्सपेक्टेड क्यों है कि पिछले पेपर में जो एनालाइज किया गया कि मोस्टली यूजीसी के टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर में से निकाल के पेपर सेटर क्वेश्चन डाल रहा है, दैट इज़ वाई उसके भी वीडियो साथ में वही क्वेश्चन है, वहाँ से उठाए हैं, वो मेरे बने हुए नहीं हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट बनाए हैं दूसरे जो पिछले पेपर हैं। ये तीन कैटेगरी आपको इसमें मिल जाएंगी। ऐसे ही इंग्लिश है,
तो इंग्लिश भी अभी जो है नए 2022 का इंग्लिश का सॉल्व करना है, पैराग्राफ कैसे करना है, ईडियम्स है जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, उस पर वीडियो मिलेंगे, वो इसके बाद इमीडिएट भी आपको आ जाएंगे, और लिंक जो इम्पोर्टेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो जो आ रहे हैं इस हफ्ते में, उस नेक्स्ट वाले वीडियो के लिंक उसमें साथ साथ में दे दूँगा। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि और कोई बुक लेने की ज़रूरत दिखाई नहीं देती, अगर आप पंजाबी और इंग्लिश की एनसीईआरटी या पंजाब स्कूल या अपनी स्टेट बोर्ड की बुक ग्रामर की पढ़ लो इन अकॉर्डेंस विद सिलेबस, एक बार देख के, एक बार पिछला पेपर देख के, तो वो सफिशेंट है। दो नुक्ते जो हर हालत में ज़रूरी हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए है, मेरे अपने निकाले हुए, वोकेबलरी मैटर करती है, शब्दों का अर्थ अगर ज़्यादा पता है तो दूसरी भाषा को यूज़ कीजिए, तो भाषा के वर्ड्स के ज़्यादा अर्थ आपको पता है तो इट मीन्स आप ज़्यादा गेन कर सकते हो। दूसरा है कि रीजनिंग को यूज़ करना है, पार्शियल नॉलेज से हिंट लेके राइट नॉलेज तक जाना है। वैसे और कई नुक्ते हैं, यहाँ तक यही डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो इससे रिलेटेड है, कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे रैशनल गैस लगाना है, कैसे आपने इलॉजिकल गैस या रैंडम गैस या बिल्कुल प्योर तुक्का जिसको बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज़ वाई वो आप लगा सकते हो, और पेपर को करते हुए के किन बातों का ध्यान रखना है, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, कौन सा पेन यूज़ करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, ओएमआर शीट फिल करने के जो आप रिस्पॉन्स करने हैं, चार अप्रोचेज हैं, वही डिस्कस करूँगा, बेस्ट कौन सी है, ये सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। कोई और क्वेश्चन हुआ, बाकी के जो आप कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो मैं बस ये तैयार करके उसके बाद वो का बाकी सारे जवाब दे रहा हूँ, इवन वीडियो कईयों के इंडिविजुअल के जवाब बने पड़े हैं लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिलना, क्योंकि इस पर सेट बनाने में बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन नए बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।